मध्य प्रदेश में इन दिनों हनी ट्रैप का मामला सुर्खियों में है। हनी ट्रैप में निगम इंजीनियर को फंसाने वाली आरती दयाल और मोनिका से पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। खुद को नेचुरोपैथिस्ट बताने वाली आरती छतरपुर में एक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में थी। परिवार को पता चलने के बाद उससे अलग होकर वो भोपाल रहने चली गई। यहां उसकी दोस्ती श्वेता और एक अन्य ब्लैकमेलर गैंग से हो गई। पुलिस के मुताबिक आरती ने श्वेता और उसके साथियों की चमक भरी जिंदगी देखी तो वो भी करोड़पति बनने के सपने देखने लगी। उसे जब श्वेता ने हरभजन सिंह से मिलवाया तब तक आरती उसे फंसाने की स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी थी। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पहले तो आरती ने खुद ही हरभजन सिंह पर डोरे डाले और बाद में रिलेशन बनाने पर व्हाट्सएप पर कई मैसेज भेजे। दो तीन बार इंदौर के कैफे और रेस्टोरेंट में भी मुलाकात की, लेकिन उसे लगा कि वीडियो बनाना आसान नहीं है, तो फिर उसने इस गेम में मोनिका को भी शामिल किया। उसने मोनिका से कहा कि इंजीनियर बड़ा आसामी है। इसमें आरती को लगा कि अगर धमकाने के बाद कभी वीडियो वायरल भी हो गया तो उसकी बदनामी नहीं होगी। मोनिका को ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। होटल इन्फिनिटी में 30 अगस्त को मोनिका और आरती के साथ रूपा हिरवार भी आई थी। पुलिस ने होटल श्री इन्फिनिटी को नोटिस देकर सीसीटीवी के फुटेज मांगे हैं। आरती का भाई इंदौर के एक कॉलेज में पढ़ाई करता है। रविवार को आरती की कोर्ट में पेशी के दौरान वो भी आया था। पुलिस जानकारी जुटा रही है कि आरती भाई से मिलने के लिए इंदौर आती थी तो किन किन लोगों से मिलती थी। उसके भाई ने हरभजन सिंह को मैसेज करके बहन को छुड़वाने का आग्रह किया था। न्यूज डेस्क।